इसमें 25 स्टेट से टीम आ रही हैं और यह फेडरेशन कप है और फेडरेशन कप पहली बार बनारस में होने जा रहा है। बनारस में क्या, फेडरेशन कप पहली बार यूपी में होने जा रहा है और इसका आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महाराजा विभूति नारायण हॉल में है। फेडरेशन कप नेशनल एथलीट कप है, इसमें जो बच्चे जीतते हैं फर्स्ट गोल्ड और सिल्वर पाते हैं उनका प्रमोशन, जितने नौकरी में है मैक्सिमम सीनियर के बच्चे नौकरी में रहते हैं उनका एक ग्रेड प्रमोशन ऊपर हो जाता है। अभी एक बता देते हैं आपकी कहीं टीम जा रही है किर्गिस्तान या कहाँ जा रही है, उसका क्या है? किर्गिस्तान में तो ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए कोटा लेने के लिए टीम जा रही है। तो कितने लोग हैं? 5 महिला पहलवान हैं और 6 फ्री स्टाइल में हैं, 6 ग्रीको रोमन में। वाराणसी में होने वाले इस आयोजन को पहला एक सफल आयोजन माना जा सकता है आपके तमाम विवादों के बाद। जिस तरह से संजय जी विवाद चला उसके बाद एक बड़ी जीत माना जा सकता है, क्या कहेंगे तमाम विवादों के बाद ये चीज़ें होना? क्या विवादों, कुश्ती विवाद में आई जिससे कुश्ती का नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले 2-1.5 महीने से कुश्ती अपने सुचारू रूप में शुरू हो गई है। अभी इसके पहले अंडर 15 और अंडर 20 का नेशनल हुआ था नोएडा में, जिसमें कि 1700 बच्चे भाग लिए थे। बच्चों में बहुत उत्साह है, वो फिर से अपने पुराने दौर में लौट गए हैं कि हमारी कुश्ती पुनः हमारे पास वापस आ गई है और कुश्ती का भला होगा। और इसी बच्चे अपनी पूरी तैयारी में हैं, इस ओलंपिक में भी जो क्वालिफाई के लिए बच्चे जा रहे हैं इसमें भी कम से कम 6 कोटा तो हमें मिलना ही है। इसके पहले लगता नहीं है जो विवाद की वजह थे जो लोग उनको अभी हाल ही में हुए उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, बहुत से पहलवान बाहर हुए, लगता नहीं है कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित था या कहीं ना कहीं से उनके खेल में कमी थी या कुछ था? अब इसमें जो भी था पुराने विवाद को छोड़ करके हमें कुश्ती को देखना है। और अब पुराने विवाद को देखेंगे तो उसमें क्या, विनेश ने भी क्वालिफाई किया, वो भी जा रही हैं ओलंपिक को लड़ने के लिए, वो भी जा रही हैं। तो वो कुछ किसी चीज़ से जो भी प्रेरित रहा उसके पीछे जो भी कारण हो उसमें नहीं जाना है, हमें कुश्ती को आगे बढ़ाना है। कुश्ती के लिए जो भी करना पड़े मैं तन मन धन से सब कुछ करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन कुश्ती को आम जन तक पहुँचाने के लिए, जैसे कि स्कूलों तक पहुँचाने के लिए, प्राइमरी स्कूलों तक पहुँचाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ की क्या कार्ययोजना है? प्राइमरी स्कूल में कुश्ती नहीं जा पाएगी क्योंकि कुश्ती का जो बच्चा शुभारंभ भी करता है वो 12 से 14 साल की उम्र में करता है। तो जितने प्राइमरी से अपर वाले हैं वहाँ से बच्चे लिए जाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल कुश्ती होती है, स्कूल कुश्ती के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसका एक ऑलरेडी पहले से प्रारूप चल रहा है और उसमें और भी उसको पढ़ाया जाएगा। अन्य विद्यालयों में जैसे माध्यमिक विद्यालय उसमें वार्षिक खेल कूद होता है जी, तो उसमें कुश्ती को शामिल नहीं किया जाता है? कुश्ती को शामिल करने के लिए उसमें कई स्टेटों में शामिल कर लिया गया, यहाँ के भी स्टेट को लिखा गया वहाँ भी शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो ये आयोजन होने जा रहा है उसके लिए क्या तैयारियाँ होंगी, कितने प्रतिभागी आने वाले हैं, उसकी उनके रुकने की व्यवस्था होगी? उसकी तैयारी का ये अभी आप राजीव सिंह रानू से पूछिए, पूरी तैयारी बता देंगे। सारे होटल वगैरह सब कुछ बुक हो चुके हैं, सब तैयारी है, सब अच्छी व्यवस्था की गई है। कह तो रहे हैं कि इसमें 25 स्टेट के जितने जो टॉप एथलीट हैं सारे एथलीट आ रहे हैं क्योंकि यहीं एथलीट कमीशन का इलेक्शन भी रखा गया है। उसका UWWNSF ने अपना एक रूल बना दिया है कि अब आप जैसे कुश्ती संघ में केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये एक थोड़ा सा शांति रखें सब लोग, एग्जीक्यूटिव बॉडी ही नहीं रहेगी उसमें। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई गई है, एथलीट कमीशन बनाया गया है, खिलाड़ियों को जो अपनी समस्याएं हों तो वो खिलाड़ी से ही बताएं, उसके लिए एथलीट कमीशन का चुनाव, उसमें केवल खिलाड़ी ही चुने जाए। कार्यक्रम संयोजक वाराणसी कुश्ती संघ, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष काशी से हैं और बनारस में कोई अभी तक या पूर्वांचल में किसी खेल का कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई अध्यक्ष नहीं निर्वाचित हुआ था, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है। और पिछला समय संजय भैया का सब देखा है कि पूर्वांचल में खासकर बनारस में महिला कुश्ती का शुभारंभ या गद्दे का कुश्ती कराने का सारा योगदान इनका है। तो इनकी मकसद हमेशा प्रयास था कि बनारस
पूर्वांचल, बिहार और खासकर पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे सेवन सिस्टर हैं आसाम से लेके मेघालय, वहाँ की कुश्ती को उभारने के लिए बहुत हमेशा ललायित रहते थे। उसी के मंशा के अनुरूप इन्होंने यहाँ फेडरेशन का दायित्व तो दिया है। बहुत अच्छी तैयारी है और यह सिर्फ ये कुश्ती संघ या कुश्ती के लोगों का नहीं है, ये पूरे काशी का चीज़ है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया के तहत भी हम लोग इसको अध्यक्ष जी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगभग 250 होटलों के रूम बुक कर लिए गए हैं, खाने की अच्छी व्यवस्था कर ली गई है, परिवहन की व्यवस्था कर ली गई है। और हम लोगों को लगातार अध्यक्ष जी यहीं के हैं, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, जो कि 16 तारीख को किर्गिस्तान जा रहे हैं, इसके बावजूद भी सारी चीज़ों का लगातार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सब हम काशीवासी मिलके इसको एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर ले जाएंगे। लगभग 250 कमरे बुक हैं और सब अच्छे होटल तारांकित अभी और पुरुष के लिए अलग होटल है, महिला के लिए अलग होटल है, और जहाँ चुनाव होगा उसके लिए एक अलग होटल है। ये सारी चीज़ें एकदम अलग कर दी गई है, उसमें कोई वो नहीं है।